square per second wave in oscillation. Lecture number 22, wave motion. पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है तो एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं. ये एक वेव का इक्वेशन है जिसे हम कह रहे हैं कि मीडियम के अंदर सारे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स का आयाम का मान समान है, सारे पार्टिकल की आवृत्ति का मान समान है. तो अगर ये जो कण है जिसका वाई दिशा में जो विस्थापन है वो अगर हम ऐसे लिखें वाई इसको ए साइन ओमेगा टी, तो इस बिंदु से एक्स दूरी पर कोई ये बिंदु पी, इस बिंदु का वाई दिशा में विस्थापन हम लिखेंगे वाई इसको ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. माइनस फाइव इसलिए क्योंकि ये कण इससे कला में पीछे होगा. एक्स अगर लेमडा डिस्टेंस होती है तो कलांतर का मान होगा टू पाई, यूनिट डिस्टेंस होता है टू पाई बाई लेमडा, इसको हम के लिखते हैं. तो जो कलांतर एक्स डिस्टेंस अगर होता है के एक्स फाइव इंटू टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स. तो वेव का इक्वेशन हो गया वाई स्कूल ए साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स या ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब ये जो तरंगे हैं ये तरंगे दो तरह की होती है. यांत्रिक तरंगे दो तरह की होगी, अनुप्रस्थ अनुतेजित. मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूड. दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें फील्ड्स वाइब्रेट करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे. ये ट्रांसवर्स तरंग गति करे इस दिशा में माध्यम के कारण अगर इसके लंबवत दिशा में टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे या अनु ट्रांसवर्स वेव. वेव ट्रेवल करे इस डायरेक्शन में और ये जो माध्यम का कण है वो इसी के अलोंग अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग. एक तनी हुई डोरी में जो कंपन होता है जिसमें जो तरंग गति करती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है. ध्वनि तरंगे जिसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है जिसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है. अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मीडियम पार्टिकल्स आपस में जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन संपीड़न विलयन अगर ऐसा होता है इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव. ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है वेव अगर यूं ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐसे शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. अब हम देखते हैं तरंग समीकरण. वेव इक्वेशन मान लो कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड करता है. टी स्कूल जीरो पर इसका विस्थापन हो जाएगा एफ जीरो, एक टी स्कूल जीरो. ये कण यहां से ये मूल बिंदु है यहां से चलते चलकर यहां पहुंच रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका वेलोसिटी अगर वी है तो यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगेगा. टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई बी. ये वेव या कोई भी पल्स जैसे हमने यू पल्स क्रिएट कर दिया, ये आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया, ये पल्स ट्रेवल कर रहा है इसका वेलोसिटी वी. तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लगेगा एक्स बाई बी.
या हम ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस एक्स बाई वी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि ये कोई डिस्टरबेंस टी इक्वल टू जीरो पर यहां है, टी टाइम बाद वो पी पॉइंट पर पहुंच गया, ये डिस्टेंस मान लो एक्स है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिस्टरबेंस टी टाइम का वैल्यू उतना ही होगा जितना टी टाइम पहले इस पॉइंट पे डिस्टरबेंस था। ये इसको कंटिन्यू कर देंगे, टी टी इसको जीरो पर यह मान रहे। तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर हो तो कोई फंक्शन दूसरा कर दो जी टी प्लस एक्स अपॉन बी। जनरल इक्वेशन लिखना है तो दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई बी प्लस जी टी प्लस एक्स बाई बी, ये जनरल इक्वेशन हो गया। टी माइनस एक्स अपॉन बी इक्वल मान लो यू है कोई कॉन्स्टेंट, डी टी बाई डी यू वन हो जाएगा, डी एक्स बाई डी यू माइनस बी हो गया। इसी तरह से t प्लस एक्स अपॉन बी को मान लें w, तो डी टी बाई डी डब्ल्यू इक्वल टू वन और डी एक्स बाई डी डब्ल्यू इक्वल प्लस बी। तो ये जो रिलेशन है f u का फंक्शन है प्लस g w का फंक्शन, हमने t प्लस एक्स को w का, t माइनस एक्स बाई बी को u का, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई डेल्टा यू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा जी बाई डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर
वेव हो गई, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका वेव हो गया भी।